पंजाब के कैप्टन अब महाराष्ट्र में अपना जलवा बिखेरेंगे। जी हाँ, पंजाब का एक राजनीतिक दिग्गज महाराष्ट्र का राज्यपाल बन सकता है, तो कौन है वो दिग्गज, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस को झटका देने वाले और अपनी खुद की नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बनाने वाले दिग्गज नेता और पूर्व सीएम कैप्टन अरमिंदर सिंह बहुत पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और अपनी पार्टी पीएलसी का भी भाजपा में विलय कर चुके हैं। अब ऐसे में केंद्र की भाजपा सरकार कैप्टन को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह को महाराष्ट्र का अगला राज्यपाल बनाया जा सकता है। इसकी चर्चा दिल्ली से लेकर पंजाब और महाराष्ट्र तक जोरों पर चल रही है। दरअसल महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पीएम मोदी से इस्तीफा देने की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक अमरिंदर सिंह को कोश्यारी की जगह केंद्र नया राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। भगत सिंह कोश्यारी शिवाजी महाराज पर टिप्पणी को लेकर विवादों में हैं। कोश्यारी लगातार विपक्ष के निशाने पर हैं। यहां तक कि शिंदे गुट के कुछ नेता भी विरोध में हैं। कोश्यारी को लेकर कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हो चुका है। ऐसे में कोश्यारी के पद छोड़ने की इच्छा को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे ये चर्चा तेज हो गई है कि पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह महाराष्ट्र के अगले गवर्नर बन सकते हैं। इसको लेकर सियासी तौर पर पंजाब में खूब चर्चाएं छिड़ी हुई हैं। कैप्टन कुछ समय पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भी भाजपा में विलय कर दिया था। आर्मी से सेवामुक्त कैप्टन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छे संबंध हैं। हाल ही में उन्हें भाजपा की 83 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम पहले उपराष्ट्रपति पद के लिए भी चर्चा में आया था, हालांकि बाद में इस पद पर जगदीप धनखड़ को बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया। अब देखना होगा कि केंद्र अमरिंदर सिंह को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाता है या फिर किसी और पर दांव खेलेगा। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।